नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हर जेनेटिकल डिसऑर्डर हेरिडिटी नहीं होता, लेकिन हर हेरिडिटी प्रॉब्लम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के रूप में आती है। यानी कि हेरिडिटी प्रॉब्लम, जिसको हम विरासत की बीमारियां कहते हैं, विरासत में आने वाली बीमारियां कहते हैं, वो जेनेटिक्स होंगी ही होंगी। यानी कि उसमें आपके जीन्स की गड़बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि वह आपके माता पिता से आई है। वह जीन्स जब आपके माता पिता का फॉर्मेशन हो रहा था, या किन्हीं वजहों से आपके माता पिता के शरीर में जीन्स की गड़बड़ी हो गई या म्यूटेशन गड़बड़ हो गया, उस वजह से उनके शरीर में जो समस्याएं आती हैं वो आपको भी आएंगी, क्योंकि ये हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, या आपके अनेक ऐसे बीमारियां, हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग बनना बंद हो जाती है, तो ये समस्याएं आपके हेरिडिटी हो सकते हैं। यानी कि आपके वंशानुगत चलने वाली बीमारियां कहलाती हैं। वंश तो यानी कि आपके माता पिता को थी, आपके दादा दादी को थी, और अब आपको भी ये समस्या है, तो ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है। और हर हेरिडिटी प्रॉब्लम जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके भी जीन्स की गड़बड़ी हो सकती है। और कहा जाता है कि 7 पीढ़ी तक आपकी बीमारियां चल सकती हैं, 7 पीढ़ी तक चल सकती हैं। दूसरी तरफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब है कि आपके माता पिता को वो समस्या कभी नहीं रही है जो आपको हो गई है। यानी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं जैसे डायबिटीज का होना, कभी आपके माँ बाप को डायबिटीज नहीं होगी, लेकिन आपको डायबिटीज हो गई है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यानी कि जब आपका शरीर बन रहा था मां के गर्भ के अंदर, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका डेवलपमेंट हो रहा था, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, उस समय पर आपके जीन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। जैसे डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो ट्रिपल हो जाता है, जबकि वो डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़े यानी कि पेयर्स में होते हैं, जिनमें से 23 में से 21 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोनॉमस है, यानी कि वो एक जैसे हैं। 22 और 23 लास्ट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सेक्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। लास्ट के जो क्रोमोसोम है, अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब वो फीमेल होगा, और एक्स और वाई है तो वो मेल होगा। तो अगर इन क्रोमोसोम में कहीं गड़बड़ी हो जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप को रही हो ऐसी कोई भी समस्या, जरूरी नहीं है कि आपके दादा दादी को कोई समस्या हो, ये हो सकता है कि इसकी शुरुआत आपसे हो रही है, इसकी शुरुआत आपसे हो रही है, तो ये जीन्स की गड़बड़ी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपसे शुरू हो सकता है, लेकिन हेरिडिटी के जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके माँ बाप से शुरू होता है। यानी कि आपके विरासत में मिलने वाली संपत्ति, धन दौलत, पैसा, जायदाद, इनके साथ साथ आपको विरासत में मिलती हैं उनकी बीमारियां, जिनको हम हेरिडिटी प्रॉब्लम्स कहते हैं। न्यूरोथेरेपी इस म्यूटेशन के चेंज को दोबारा से नॉर्मल कर सकती है, क्योंकि हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ठीक करना जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जीन्स का डीएनए और आरएनए, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा बनने वाले अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के अंदर सारी कहानी लिखी गई है। डीएनए और आरएनए जहां पर आपका पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा कि आपकी नाक कैसे होगी, आपके मुंह कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपकी आंखें किस कलर की होंगी, आपके स्किन का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें आपके जेनेटिक कोर्स में लिखी जाती हैं। लेकिन इन जेनेटिक कोर्स में जब गड़बड़ी हो जाती है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ये धीरे धीरे होते हैं, ये धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को, बच्चे को,
जैसे उसका चाइनीज जैसा चेहरा हो जाता है, नाक चपटी हो जाती है, आंखें डस जाती हैं, कान छोटे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फेस बिल्कुल चाइनीज पहाड़ी जैसा हो जाता है, होंठ उभार आ जाते हैं। तो ये जो डाउन सिंड्रोम का पेशेंट अगर जो बच्चा है ट्रीटमेंट लेता है तो 6 महीने के बाद में आप फोटो खींचेंगे, यानी कि पहले की फोटो और बाद की फोटो में आपको साफ साफ अंतर नजर आने लगता है। ये न्यूरोथेरेपी का कमाल है। यानी कि अगर हम डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस गड़बड़ जींस को भी ठीक कर रहे हैं, यानी 21 क्रोमोसोम पर भी हम काम कर रहे हैं। तो न्यूरोथेरेपी हेरिडिटी और जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पर भी काम करती है। ये दोनों ही समस्याएं अगर आपकी हेरिडिटी यानी कि आपको हेरिडिटी प्रॉब्लम है उस वो तब तक आपको शरीर में असर नहीं दिखाएगी जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जब तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तब तक वह आपकी जो आपकी हेरिडिटी प्रॉब्लम है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आपकी अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर आपके शरीर से शुरुआत होती है, आपकी फॉर्मेशन से शुरुआत होती है, तो उसका असर आपके तुरंत दिखना शुरू हो जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को बच्चे को पहले कोई बच्चा ऐसा डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे में अगर डाउन सिंड्रोम की समस्या है तो आपके बच्चे में वो जन्म जात दिखने लग जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपके यहां से हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपके यहां से हुआ है तो वो तुरंत दिखाई देगा, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पहले से चलता आ रहा है तो ये बाद में दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करा जा सकता है, न्यूरोथेरेपी में करा जा सकता है, लेकिन बड़े पेशेंट्स के साथ करा जा सकता है। न्यूरोथेरेपी में न्यू जीन्स फॉर्मूले हैं, जीन्स चेंज करने वाले कई फॉर्मूले हैं, न्यू स्टार मॉडिफाइड फॉर्मूले हैं, जो कि डॉक्टर लाजपतराय मेहरा जी की सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी न्यूरोथेरेपी को देन है, इस समाज को देन है कि उन्होंने जीन्स को चेंज करने वाले कई फॉर्मूले बनाए और जो ना केवल डाउन सिंड्रोम बाकी अन्य केसेस पर भी काम कर रहे हैं, और देश भर में बहुत सारे बच्चे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट केवल अपने स्थिति को ठीक करने के लिए ले रहे हैं। और डॉक्टर लाजपतराय मेहरा जी को डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्हीं बच्चों के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए जोरास्ट्रियन यूनिवर्सिटी ने प्रदान करी थी। यानी कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इन बच्चों पर बहुत कामयाब है, इन बच्चों को बहुत अच्छे रिजल्ट देता है इस पर्पज से, और बहुत सारे देश भर में बच्चे न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आज ले रहे हैं, और इसी पर्पज से इसी सेवा को ध्यान में रखते हुए इसी सेवा कार्य को ध्यान में रखते हुए जोरास्ट्रियन यूनिवर्सिटी ने लाजपतराय मेहरा जी को डॉक्टर लाजपतराय मेहरा की उपाधि दी। तो अगर आप भी या आपके आसपास या आपके परिवार में इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बच्चे या हेरिडिटी के शिकार बच्चे हैं या कोई पेशेंट है तो आप अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपी से जरूर संपर्क करें और न्यूरोथेरेपी से जाने कि आपकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। दिल्ली या NCR में आप रहते हैं तो नजदीक हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है। गूगल पर न्यूरोथेरेपी सेंटर विवेक विहार आप सर्च करिए, मेरा नंबर डाल के सर्च करिए, आपको दोनों ही तरीके से हमारे क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और बेल बटन अगर नहीं दबाया है तो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।